हमारा चैनल देखने वाले तमाम भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को अपने हमारे रखे। आपकी खिदमत में हाजिर है आपका भाई तहीर। मेरे भाई आज आपको हम दिखाएंगे इसका जो कटन प्लेट है वो चेंज करने लगे हैं बुलडोजर का। तो ये दिखाएँगे तरतीब मुकम्मल दिखाएँगे। इसको पलटी करना है, चेंज नहीं करना है, पलटी करेंगे बिल्कुल है। ये हम तब्दील करेंगे, नए लगाएंगे। तो आपके भाइयों को दिखाते हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जो मुकम्मल तरीका हम अपने भाई को दिखाएँगे। तो हमारी वीडियो को जो है मुकम्मल देखना ताकि मेरे भाई जो है मुकम्मल मालूम हासिल कर सकें और इसे सीख सकें ताकि वो भी काम करें तो मेरे भाइयों को मालूम हो कैसे करें। भाई अभी मैं अपने भाइयों को दिखाता हूँ कि नई प्लेटें आएंगी। मेरे भाई आप देख सकते हैं उधर ये जो प्लेटें हैं ये हम पलटी करेंगे। ये ऊपर से जो है नीचे पलटी कर देंगे और ये जो साइड वाले रुकन है ये हम चेंज कर देंगे। ये हम लेके आए हैं नए। तो ये आप देख सकते हैं ये तीन प्लेटें हैं और इनके 35 जो है नट बोल्ट होते हैं। ये इसके भी बीच में मुकम्मल जो ये है इसके 35 नट बोल्ट हैं और ये तीन प्लेटें हैं। ये आप देख सकते हैं ये इधर तक एक प्लेट है, दूसरी इधर तक है और तीसरी ये आगे है। तो ये अपने भाइयों को दिखाते हैं। ये आप मेरे भाई देख सकते हैं बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो गई है। तो इतनी इतनी बाकी बची है, ये चीज़ नीचे पहले लग जाती है, प्लेट नीचे नहीं लगता। तो ये मेरा भाई आप देख सकते हैं ये काट रहे हैं, हमने इसको वेल्डिंग कर देते हैं ताकि दोबारा ये खुले नहीं। अगर आप इसको वेल्डिंग नहीं करेंगे ये नट बोल्टों को तो ये खुल जाते हैं धक्का लगाने के टाइम पे पत्थर में। तो फिर ये रोज़ाना आप नहीं लगाएंगे। ये हम एक बार लगाते हैं, दोबारा हम उस वक्त ही लगाते हैं जब ये चेंज करनी होती है। तो ये खुलेंगे नहीं, इनको वेल्डिंग कर देते हैं, इसलिए ये आप देख सकते हैं हम इसको काट रहे हैं। काट के इसको निकाल देंगे हम, इधर फिर नए लगाएंगे नट बोल्ट जितने भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये तमाम की तमाम प्लेट ख़त्म हो गई है। इसको हम पलटी करेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे, नई नहीं लगाएंगे। ये जब पलटी होगी ये तकरीबन इस जगह पे आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये वाला रुकन जो होता है साइड वाला ये पीछे रह जाता है, इसलिए फिर लेवल अच्छा नहीं होता। तो इसको हम नया ही लगाएंगे। तो ये नए हम लेके आए हैं, ये भी अपने भाई में दिखाते हैं। ये मेरे भाई आप देख सकते हैं ये इधर नए रुकन जो हैं भरे हुए हैं साइड वाली कटिंग प्लेटें। तो ये इनके जो हैं नट बोल्ट हैं, मुसमार इसको बोलते हैं अरबी में, और इसको सिक्कीन बोलते हैं जो हम पलटी करेंगे। तो पलटी करने को इधर कहते हैं इग्लिब, इग्लिब करेंगे। बाकी ये जो है ये रुकन है साइड वाली कटिंग प्लेटें को जो इधर है रुकन कहते हैं। तो ये मेरे भाई आज हम अपने भाई को मुकम्मल तरतीब दिखाएंगे। तो ये मेरे भाई आपको मैं ज़रा पीछे हट के दिखाने लगा, उधर से तस्वीर साफ नहीं आ रहा था, मोटर चल गया था, आवाज़ नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते ये काट रहे हैं, काटेंगे फिर हम अपने भाई को मुकम्मल जो है इसकी फिटिंग भी दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूम जो है मेरे भाई तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इधर ये हमारी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जो है हर किस्म का काम होता है। ये आप देख सकते हैं इधर इस साइड पे जो है ये ट्राला भी आया कर साफ देने के लिए, ये इधर चावल को खुला हुआ है उसका भी हम मालूमात देंगे। वो मैं अलग से जो है ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब फिटिंग होगी मुकम्मल तो उसका भी हम दिखाएंगे। ये वर्कशॉप में काम होता रहता है, ये इधर हमारे मैकेनिक काम भी लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो ये काम लगे हुए हैं हमारे मैकेनिक अभी फिटिंग कर रहे हैं। बाकी सामान मैंने अपने भाइयों को बताया कि उधर भरा हुआ, उसका अलग व्लॉग तैयार करके मैं अपने भाइयों को इसकी मुकम्मल फिटिंग जो है दिखाऊंगा। अब हम अपने भाइयों को दिखाएंगे सिर्फ ये इसके जो सिक्कीन है जो कटिंग प्लेटें हैं इसको सिक्कीन अरबी में बोलते हैं। तो कटिंग प्लेटें जो हैं पलटी करेंगे, एक बार हम इसको पलटी करते हैं, दूसरी बार जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, नहीं लगा देते हैं। तो इसलिए हम अपने भाइयों को सारी मालूम जो है देते रहेंगे। ये आप देखें ये अभी नट बोल्ट जो है काट रहे हैं, ये वेल्डिंग किए हुए हैं। वेल्डिंग किए हुए का ये फ़ायदा होता है मेरे भाई कि ये दोबारा जो है खुलते नहीं हैं। ये मेरे भाई मुसद्दस है, इसके साथ हम ये मेरे भैया ये आप देख सकते हैं अभी हम ये पलटी कर दी है, ये साइड चेंज कर दी है, ये देखें। ये अभी बोल्ट लगा रहे हैं, पिछली तीन जो है दो जो है कर दिया, अभी ये आप फिर ये रुकन लगा देंगे। उधर का रुकन भी आप देख सकते हैं हो गया है वो साइड का।
तो ये आप देखें, आप ये सारा अभी जो है इतना ये नीचे आ गया है। अगर ये पुराना रखेंगे तो फिर ये इधर तक ही रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा। इसलिए ये हमें साइड वाले जो हैं ये नए लगाने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी पलटी हो गया। ये मेरे भाई आप देख सकते हैं बोल्ट भी हमने नए लगा दी है। अभी इसको जो है टाइट करेंगे, टाइट करके वेल्डिंग कर देंगे। अभी बस ये बाकी रह गया, ये भी लगाते हैं। ये मेरे भाई इसको भी हमने लगा दिया, ये देख सकते हैं ये जो है ये बिल्कुल अभी जो है ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं अभी ये बराबर रहेगा इसका। अगर वो पुराने वाला होता तो वो इधर तक ही रहता, तो ये नीचे चला जाता। इसलिए ये साइड वाले हमें जो है ये चेंज करने पड़ते हैं। और ये एक बार जो पलटी होते हैं दोबारा हम अब करेंगे तो ये सारे का सारा बिल्कुल ये भी साथ चेंज होंगे और ये भी चेंज होगा, सिक्कीन भी, ये जो कटिंग प्लेटें हैं अभी दोबारा ये पलटी नहीं होंगी, क्योंकि एक बार ही पलटी होती हैं ये। तब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ठीक हो गया, नहीं तो पहले ये नीचे लग जाता था, ये ऊपर रहता था। तो कक्का अच्छे से नहीं लगता ना, अच्छे से जो है कटाई होता है। अब जो ये कटिंग भी अच्छी करेगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से है। ये देखें, ये अभी नट बोल्ट लग गए हैं, इनको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जो है वेल्डिंग मार देंगे। वेल्डिंग ज़रूर मारना, नहीं तो ऐसे ये खुल जाते हैं, लूज़ होकर ये गिर जाएंगे। ये इस साइड वाले टूटे हैं, ये जो बीच वाले सिक्कीन के हैं ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। वेल्डिंग लगा दो, ये जब आपने चेंज करना है तो फिर ही जो है इसको काट के निकालेंगे, वरना ये गिरेंगे नहीं। अगर वेल्डिंग नहीं करेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से जो है इसको कर दिया हमने, मरम्मत बिल्कुल काम ख़त्म हो गया। ये आप देख सकते हैं भाई अभी बिल्कुल मुकम्मल था, काम ख़त्म हो गया। इतना फ़र्क पड़ा है, ये देखें ऊपर गैप बन गया, ये घस गई है ना, नीचे वाली साइड ऊपर आ गई है। तो ये इस तरह जो है इसको पलटी कर देना है एक बार, दूसरी बार जो है ये मुकम्मल जो है ये चेंज करेंगे तो ये भी साथ ही चेंज होंगी। ये एक ही बार बस चलती हैं, दोबारा नहीं, ये दो बार चल जाता है, ये नहीं चल रही। बोल्ट मुकम्मल टाइट हो गए हैं, तो अभी इनको हम करेंगे वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के बाद काम खत्म हो जाएगा। ये तरीका है इसका चेंज करने का जो है प्लेटों का। मेरे भाई ये मेरे भाई अभी हम वेल्डिंग शुरू कर दी है। ये सारे बोल्टों को वेल्डिंग मारते जाएंगे और फिर काम खत्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना जो है ये प्लेट नीचे आ गया, तो ये काम हो गया था हमारा मुकम्मल। फिर इसको वेल्डिंग ख़त्म हो जाएगा तो काम हमारा मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वेल्डिंग इसलिए मारते हैं कि ये खुले नहीं, तो यही सबसे अच्छा तरीका है। और तो मेरे भाई ये आप देख सकते हैं आधे तक हम आ गए हैं वेल्डिंग करते, इधर तक पहुंच गए हैं और आगे ये थोड़ा सा बच गया, ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर अपने भाई जो है ये मुकम्मल फिटिंग हो जाएगी। तो मेरे भाई आप ये देखा कि अभी जो है ये तकरीबन तमाम काम इसका ख़त्म हो गया है। तरतीब से सारी मालूमात अपने भाइयों को बता दिया है, इसको कैसे जो है पलटी करना है, किस तरह जो है इसको लगाना है। साइड वाले रुकन नए ही लगेंगे और बीच वाले जो सिक्कीन है, जो कटिंग प्लेटें भी इसको बोलते हैं पाकिस्तान में, तो ये जो है ये एक बार पलटी हो जाती हैं, दोबारा जो ये नई लगेंगी। तो 6 से 7 महीने ये चलती हैं, उसके बाद जो है ये फिर हम नई लगाएंगे। तो अपने भाइयों को तमाम तरतीब से जो है मुकम्मल इसकी मालूमात दी है, कैसे इसको फिटिंग करना है, किस तरह लगाना है, किस तरह पलटी करना है, साइड वाले जो है वो नई लगाने हैं। तो ऐसी मालूमात हम अपने भाइयों को देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं हमने ये तकरीबन तमाम काम ख़त्म कर दिया था। तो अपने भाइयों को बस आज का ब्लॉग में यही दिखाना था। तो उम्मीद करता हूँ हमारे भाइयों को वीडियो हमारी अच्छी लगेगी। अगली वीडियो तक अपने भाई जहीद को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान खुदा हाफिज़।